माय डियर फ्रेंड्स एंड माय ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन द यूनिवर्स मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं साथियों आज 2022 में जो विश्व की राजनीतिक सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति है वह बहुत सोचनीय हो गई है विज्ञान के बढ़ते हुए क्षेत्र से एक और जहां सुविधाएं बहुत मनुष्य को मिल रही है तो दूसरी ओर बैंकर पढ़यकारी प्राकृतिक आपदा एवं मानसिक सामाजिक दुष्चिंताओं से मनुष्य के मन में वह भीषण वह है कि कब इस विश्व में तीसरा विश्व शुरू हो जाए और मनुष्य की जो जाति है वो नष्ट होने की कागार पर पहुंच गई है दूसरी ओर कई कई तरह के बीमारियां आ रही है जो मानव समाज के लिए बहुत घातक है इनमें से अभी अभी जो कोविड नाम की ये जो वायरल महामारी फैल गई थी उसमें बहुत से हमारे साथी खो गए तो भगवान ने इस सृष्टि के शुरू में ही मानव के हित के लिए उनका परम प्रिय मित्र वृक्ष को पैदा किए और भगवान गीता में कहे हैं कि तुम यज्ञ करो और देवता प्रसन्न होकर वह तुम्हें समृद्धि देंगे ये वृक्ष क्या है ये देवता ही हैं ये कुछ लेते नहीं हैं इनको आप लगाते हैं इनका संरक्षण करते हैं इनके संवर्धन में रहते हैं तो ये आपको नए नए फल फूल भोजन के लिए अन्न देते हैं और हमारी प्राण वायु जो ऑक्सीजन है इसका भी ये बैलेंस बना कर रखते हैं तो आइए आज मैं आपको परिचय करा रहा हूँ अपने इन परम प्रिय मित्र वृक्ष के कुछ पत्तों को और भगवान गीता में नौवे अध्याय में कहें अर्जुन को ये अर्जुन मुझे पूर्वक जो पत्र पुष्प फल जल इत्यादि देते हैं मैं उन्हें सगुण रूप हो करके के ग्रहण करता हूँ तात्पर्य यह है कि भगवान का कहना है कि ये पत्र जो है ये पुष्प या फल है जो सात्विक है इसका मैं ग्रहण करता हूँ अर्थात आप सब भी श्रद्धापूर्वक इस वृक्ष के दिए हुए फल को प्राप्त करें और स्वस्थ रहें समाज को स्वस्थ रखें तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं और उनकी क्या क्या दवाइयां प्रकृति में है देखिए आजकल हमारे नवयुवक लोग भी जो तीस से ऊपर के हैं उन लोगों का लाइफ स्टाइल रहन सहन कंप्यूटर पर काम करना एक ही पोस्टर में आठ आठ घंटे रहते हैं तो इनके कारण उनके शरीर में दर्द पैदा हो जाता है ये आज आम बीमारी हो गई है लेकिन कुछ लोगों को खान पान और रहन सहन के कारण पिज़्ज़ा बर्गर तली भुजी वस्तुओं को खाने से उनके खून में की संरचनाएँ बिगड़ जाती हैं अनबैलेंस हो जाता है उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लिपिड प्रोफाइल गलत हो जाता है कभी इसमें फिर या बढ़ गया तो कभी लीवर की गड़बड़ी हो गई गैस बनना शुरू हो गया इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ों का दर्द जो आजकल कॉमन हो गया है तीस पैंतीस वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों में कई लोगों को पंद्रह से बीस परसेंट ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो पीड़ित रहते हैं और उन्हें यदा कदा एलोपैथिक दवा का व्यवहार करना पड़ जाता है ये दवाइयाँ जो है एलोपैथिक तत्काल तो फायदा होता है लेकिन ये दवाइयाँ सही पर दुष्प्रभाव भी देती है उनमें सबसे प्रमुख दवाइयाँ ये सब हैं जानिए एसिक्लोफेनिक जो कि 100 सौ में रहता है पारासीटामोल जो 500 सौ में रहता है आइब्रोफेन जो 400 सौ में मिलता है सेटियोपेपटाइड्स जो 15 एम में उपलब्ध होता है डेक्सा मिथासोन फाइव में रहता है इस तरह बहुत से ऐसे दर्द निवारक रासायनिक केमिकल टैबलेट्स मिलते हैं एनर्जिक टैबलेट मिलते हैं जो आपके शरीर पर उनका बुरा प्रभाव होता है लेकिन तत्काल फायदा हो जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर यह आपका तकलीफ़ शुरू हो जाता है इसका कोई परमानेंट सलूशन इधर नहीं है इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप अपने आसपास के वृक्षों को जानिए उनके पत्तों का प्रयोग कीजिए जो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मैं आज आपको बताता हूँ कि एक बार की बात है भगवान श्री कृष्ण जी को उनकी पत्नी सत्यभामा बहुत ही वह प्रिय उनकी पत्नी हैं तो उन्होंने उन्हें आग्रह की कि देखिए मुझे मालूम हुआ है कि स्वर्ग में एक ऐसा पेड़ है जो अपने बगीचे में नहीं है कृपया उस पौधे को लाइए उसका नाम प्रजात है मैं उसके पुष्पों को देखना चाहता हूँ और व्यवहार करना चाहता हूँ भगवान ने स्वर्ग में जाकर के वह प्रजात का पुष्प ले आए और ले कर के उनको दे दिए और बगीचा में लगा दिए तो आप ऐसा कीजिए कि इस प्रजात के आप देख रहे हैं मैंने वीडियो में डाल दिया है यह प्रजात का पुष्प जो है सो इसके पत्ते जो हैं बहुत गुणकारी होता है इसका बोटनिकल नाम जो है ना नेक्टेंथस ट्रिस्टिस नाम है और यह सभी जगह पाया पाए जाते हैं पिन व्हील फ्लावर भी इसे कहते हैं और कोरल जैस्मिन भी से कहा, कहा जाता है इसलिए आपको अगर एकट अर्थराइटिस हो या बुखार हो स्वेलिंग हो या बुखार हो मलेरियल फीवर हो वायरल फीवर हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से डायबिटिक पेशेंट होने से डायबिटीज के कारण शुगर बढ़ जाने से जोरों में ठमने में दर्द रहा करता है तो इन सभी में आप इन्हें इसे यूज़ कीजिए व्यवहार कीजिए आप इस पेड़ के पत्तों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में भी की जाती है तो यह साइड का आर्थराइटिस रोमैटिस पेट में गैस भरना मलेरियल फीवर सभी में उपयोग होगा इसके साथ साथ दूसरा जानिए दूसरे एक बताते हैं उसका नाम है एशियन पिगियन विंग्स यह जो है यह आपको लतीनम पौधे होते हैं और यह भी भारत के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो आप इसका व्यवहार बुखार इन्फॉर्मेशन पेन कहीं भी हो और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है यह बहुत अच्छी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है इसे अपराजिता कहते हैं और ये विष्णुकांता भी पुष्प कहते हैं भगवान शिव को भी चढ़ाए जाते हैं और विष्णु भगवान को भी ये अपने भारत में ऐसी मान्यता है कि अगर इस प्रजात के पुष्प का तिलक कर लिया जाए यानी उसको मल करके इसका तिलक लगाया जाता है तो सामने का जो व्यक्ति है वह आपके अधीन हो जाता है उसके कार्य कर्म जितने भी होते हैं वो सिद्ध होते हैं खैर तो ये बात तो धारणा की बात है अब आइए इसे बटरफ्लाई प्याक भी कहते हैं इसके फूल की चाय लोग पीते हैं और यह ग्रीन लीवर ग्रीन कलर का होता है और यह ग्रीन टी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उससे मिलते जुलते इसके प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें भी बहुत सारे एल्क्राइड्स और एंजाइम्स हैं वो मधुमेह के लिए और स्वेलिंग के लिए ये बहुत लाभदायक है तो आप इस पेड़ के इस पौधे के पत्तों को ले व्यवहार कीजिए अब आइए तीसरा तीसरा पत्ता जो है वो है सहजन देखिए सहजन भारत के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं लगभग अपने देश के सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं यह बिहार यूपी झारखंड से लेकर के आसाम और दक्षिण भारत में तो हर जगह यह उपलब्ध है तो इसका नाम ड्रामस्टिक प्लांट कहा जाता है यह जो है बोटैनिकल नेम में यह जो है इसकी फैमिली जो है ना मोरिन गेसे ही फैमिली का यह है यह अफ्रीका अमेरिका इस सब देश में ही पाए जाते हैं इसके फूल फल पत्ती सभी का उपयोग किया जाता है इसके सब्जी बहुत चाव से खाए जाते हैं और बहुत गुणकारी होते हैं रसोई में इसका दक्षिण भारत में इतना व्यवहार होता है कि वहाँ दाल सब्जियों में दी जाती है इस पेड़ के कई चमत्कारी गुण हैं इसके आयुर्वेद में बहुत अधिक वर्णन किया गया है यह बहुआमी लाभप्रद विक्षा है इस पेड़ के जड़ को या तना के भीतरी छाल को लेकर के सो कई स्त्री के प्रजनन संबंधी रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है यूट्रस ओभरी इत्यादि में जो कोई अगर गड़बड़ी हो जाती है तो उसे यह ठीक कर देती है इसलिए यह वृक्ष जो है बहुत उपयोगी है यानी सोत के लिए यह बहुत उपयोगी है तो इसके पत्ते चार पांच ले लें और सहजन के इस पत्तों के साथ आप तीनों वृक्षों के पत्ते जो बताए हैं परिजात के पुष्प अगर नहीं हो तो आप पत्तियाँ ले ले और अपराजिता के पत्ते ले ले यानी हार के चार पांच पत्ते अपराजिता के चार पांच हरे पत्ते और सहजन के पत्ते इन सबको अढ़ाई सौ ग्राम पानी में या दो सौ ग्राम पानी में देकर के जब वह 100 ग्राम से कम हो जाए तो इसको आप व्यवहार कीजिए और सुबह में खाली पेट पिया करें कम से कम दो तीन महीना पिए पीने से पहले अपना ब्लड काउंट करा लें और इसका सेवन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ब्लड कंपोजिशन है जो है वह सभी नॉर्मल में चला आएगा अब देखिए ये तो हुई चिकित्सीय बात अब इसके कुछ ऐसे गुण भी देखिए जो आदमी बीमार नहीं है, जो स्वस्थ हैं तो वो ऐसा करें कि वह चीज़ खाएं जिससे वो बीमार पड़े ही नहीं तो बीमार न पड़े शरीर में वो सभी पोषक तत्व तो तो अगर मिल जाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो इसके लिए आप सहजन के पत्ते का 100 ग्राम अगर लेते हैं तो उसमें 9.8 ग्राम प्रोटीन है ओलिक एसिड है विटामिन सी भरपूर है आप जानते हैं कि विटामिन सी आँख के लिए कितने ज़रूरी चीज़ है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है विटामिन ए जो सर्दी खांसी और आँख के लिए भी उपयोगी दवा है ये विटामिन्स फोलेट है विटामिन सिक्स है थायमिन है विटामिन बी वन रिवोफ्लेविन पेंथोइ एसिड और नाइसिन तो इसके हरे पत्ते में ये सब आपके विटामिन के स्रोत बहुत अच्छे हैं आप इन्हें अवश्य लें दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि कैल्शियम बहुत पाए जाते हैं और आयरन भी है कॉपर भी है मैग्नीज़ है जिंक है सेलेनिनीम है मैग्नीशियम है ये सब क्या करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट किए जाते हैं और कंट्रोल भी करते हैं रेगुलेट रेगुलेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन को भी बैलेंस रखते हैं और उनमें जो जितने कंपोनेंट्स हैं उनको भी वो नियंत्रित रखते हैं किसी एक समान को बढ़ने नहीं देते हैं यानी आपका जो ब्लड में डब्लू है आर है और जो भी पच्चीस तीस प्रकार के ब्लड में जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी कंट्रोल रहते हैं दूसरी बात यह है कि जो मधुमेह के रोगी हैं इनके लिए तो ये बहुत कारगर है इसके पत्ते में मेथनॉल पाए जाते हैं मेथनॉल का फंक्शन है कि यह ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो इंसुलिन के कारण कमी के कारण नहीं व्यवहार में आ पाते हैं ब्लड में तो यह मेथनॉल क्या करता है जो उस ग्लूकोज को दुष्प्रभाव को दूर करके उसे शरीर में व्यवहार में शरीर के व्यवहार में ले आते हैं उस ग्लूकोज फ्रुक्टोज को तोड़ करके और कई प्रकार के एमनोसिड के उपस्थिति में यह उसका एनर्जी में कन्वर्ट कर ब्लड शुगर को बैलेंस रखते हैं तो इस प्रकार से दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो अठारह तरह के एमोसिड रहते हैं ये आपके स्मरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं फर्टिलिटी यानी प्रजनन की क्रिया को भी यह बढ़ाता है आपका स्पर्म की संख्या जो होती है उसे भी यह एडजस्ट करता है बढ़ाता है मुहासे को नष्ट कर देता है और नए टिशू को नए उत्तकों को यह पैदा करता है इस तरह से हम देखते हैं ये जो है ड्रामेस्टिक प्लांट सो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत कारगर है अब आइए कि इसे कब लिया जाए तो इस सवेर में लीजिए और एक घंटे तक कुछ न लें ऐसा करें और जिनकी उम्र पाँच साल से कम है वो नहीं लें दूसरी बात कि बीपी को चेक करा कर ही दबाव व्यवहार करें अपने मन से न खाएं क्योंकि हो सकता है कि इसको लेने से आपका बीपी घट जाए तो बीपी वाले भी इसे सावधानी से लें एचआईवी के जो पेशेंट हैं या प्लास्टिक एनीमिया हैं ये सब ये कार्डिक डिजॉर्डर जिनको है हार्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है एक्विट स्पेटी ट्रैक्स इन्फेक्शन है निमोनिया है या जिनको यू, यूरिनरी ट्रैक्स से संबंधित है किडनी से संबंधित कोई रोग है तो वो नहीं ले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस दवा को व्यवहार करें ये सिंगरहार के पत्ते जो हैं यह कुछ तीता होता है लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा गुण है कि जिनको दमा है या सांस लेने में कठिनाइयां हैं वे इसके चार पत्ते का चाय बनाकर पीने से उनके ब्रोंकियल टिश्यू को यह फैला देती है और सांस लेने छोड़ने में जो असुविधा होती है वो ठीक हो जाते हैं इसके अलावे सिंगारहार के पत्ते का आप विष सर्प के विष को नाश करने के लिए भी इसके उपयोग किए जाते हैं ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि इसके चार पांच छः पत्ते का रस मरीज के साथ देने से विष का प्रभाव विषैले सर्प के काटने के विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो भाइयों मैंने आपको ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है और फिर पुनः मिलेंगे तो आपको हम इसी से संबंधित आवर प्लांट्स हाउ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर समाज को नए नए सूचनाओं को दें और मनुष्य के स्वस्थ होने के लिए उनके भावनाओं को प्रेरित करें जय हिंद जय कृष्ण ओम